अंबाला में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर काफी तनाव देखने को मिला। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली जाने की चाहत को लेकर काफी संख्या में पंजाब के किसान बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन उनको रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बॉर्डर पर पुलिस बल और अर्ध सुरक्षा बलों के जवान तैनात कर दिए गए थे और साथ ही पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया, जिस वजह से चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर 15 किलोमीटर का जाम लग गया। इस दौरान अंबाला कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच पैदा हुई टकराव की स्थिति में तमाम किसान नेताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका। कुरुक्षेत्र में किसानों पर वाटर कैनन भी चलाए गए। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चुरूनी ने किसानों से शांति रखने की अपील की है। वहीं किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में ना भेजने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं प्रदेश के सभी रोडवेज डिपुओं पर अतिरिक्त बसों की सुविधा रखने का आदेश जारी किए गए हैं और सभी डिपुओं पर 5-5 बसें अतिरिक्त रखने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली कुछ की तरफ बढ़ रहे हैं किसान, ये भी कुछ वाला दिल्ली वाला तरीके से हटा दिया है। देखिए आज मौड़ा अनाज मंडी से हमारा दिल्ली कूच का प्रोग्राम था और हम हजारों की संख्या में दिल्ली कूच की तरफ चल पड़े हैं। जो इन्होंने बैरियर हमारा में लगाया था मौड़ा मंडी से थोड़ा आगे, उस बैरियर को हमने तोड़ दिया है और उस बैरियर को तोड़ के 15 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और मालूम हुआ है कि आगे एक और बैरियर लगाया हुआ है, वो बैरियर भी हम तोड़ेंगे। पुलिस लाठी मारे, डंडे मारे, लेकिन हमारे लोगों ने जो है वो किसी पे हाथ नहीं उठाया और ना ही हम आगे हाथ उठाएंगे। तो हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन दिल्ली की तरफ हम बढ़ चुके हैं और बाकी हमने सब लोगों से दिल्ली के लिए पहुंचने की अपील की है।